सोशल मीडिया पर इन दिनों एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आती रहती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल राज्य के बिलासपुर शहर के युवक ने सोशल मीडिया पर स्टेटस पोस्ट किया जिसमें उसने अपने आप को बड़ा गैंगस्टर बताया था। इसके अलावा युवक हर्ष कश्यप ने अपने पोस्ट पर माफिया टेक्स्ट भी लगाए थे। युवक के लिए परेशानी तब खड़ी हो गई जब उसने नकली पिस्तल लहराकर फायरिंग की और अपने आप को गैंग का लीडर बता दिया। बस फिर क्या था, मामला बिलासपुर पुलिस तक पहुंचा, जहां उसकी जमकर क्लास लगाई गई। साथ ही पुलिस ने युवक से एक वीडियो भी बनवाया और देखिए कैसे पुलिस कार्रवाई के बाद युवक एक झटके में लाइन पर आ गया। मेरा नाम हर्ष कश्यप है। मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे ब्रांडेड कमीने के नाम से और नकली गन वाली पिस्टल के साथ फोटो वीडियो अपलोड किया था, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा और ना ही कभी इंस्टाग्राम पे असामाजिक रूप से डर फैलाने वाला, दहशत फैलाने वाला कुछ भी उटपटांग टाइप का नाम या उटपटांग हथियार प्यार किसी भी के साथ पोस्ट वगैरह नहीं डालूंगा। जो भी गलती मैंने की है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस मामले पर बिलासपुर पुलिस के आईपीएस ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। एक व्यक्ति हर्ष कश्यप जो सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट डाला था जिसमें गन जैसी कुछ वस्तु दिख रही थी और उसको उसके तहत वो ऐसे अपने हाथ से पोस्ट करके डाला था। इसके अलावा उसने सोशल मीडिया में और भी लिखा था जैसे ब्रांडेड कमीना। तो हमने जब उसको पकड़ा और उससे पूछा कि ये गन कहाँ से आई, तो वो बोला कि ये गन नहीं है, एक्चुअली नकली गन है, लाइटर गन है। तो फिर वो हमने उससे जब हमने तस्दीक की तो सही में पता चला कि एक्चुअली वो रियल गन नहीं थी, वो एक प्लास्टिक की जो गन जैसे दिखने वाली कोई वस्तु थी जिसका उपयोग लाइटर में होता है। हालांकि ये गलत है क्योंकि वो गन जैसी दिखने वाली किसी भी चीज़ को आप सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते हो। तो हमने फिर उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है ताकि वो भविष्य में ऐसा ना करे। रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर दहशत फैलाना इस युवक को बहुत भारी पड़ा। बिलासपुर पुलिस ने इस युवक को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी सपने में भी अपने आप को गैंगस्टर नहीं बताएगा। बता दे कि बिलासपुर पुलिस सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है, क्योंकि इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बिलासपुर पुलिस का जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो लगातार मॉनिटरिंग करता है कि यदि इस तरह की कुछ असामाजिक तत्व असामाजिक चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करते हैं या पोस्ट करते हैं तो हम उनको उन पर कार्रवाई करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सोशल मीडिया से कोई भी इस तरह की असामाजिक चीज़ें, भ्रामक चीज़ें जिनसे समाज का माहौल बिगड़ सकता है, चूँकि चुनावी साल भी है तो छोटी छोटी चीज़ से बहुत कुछ बड़ी चीज़ घटना हो सकती है। अगर कोई चाकू लेके फोटो डाल रहा है तो हालांकि सोशल मीडिया में अगर इस तरह से डालेगा तो लोगों को भी परेशानी होगी और एक इमेज भी ख़राब होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो हम इस तरह के लोगों पे कार्रवाई करते हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं ताकि वो भविष्य में ऐसा ना करें। बिलासपुर में हुए इस मामले के बाद पुलिस और भी एक्टिव हो गई है। आने वाले दिनों में पुलिस युवक के सोशल मीडिया हैंडल पर निगरानी रखेगी। फिलहाल उस पर सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी फैलाने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासपुर से मनीष चरण की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।